गुड मॉर्निंग टू ऑल, तो स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूँ मंथु चक्रवर्ती और मैं हूँ फिलहाल अभी अपने ऑफिस में, और मेरा ऑफिस कुछ इस प्रकार है। ये सिस्टम यार ख़राब हो चुका है मेरा, लाइनिंग आ रही है, इसको ठीक कराना है। तो फिलहाल था मैं अभी ऑफिस में, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो शूट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब जाके मेरा काम थोड़ा सेटल हो चुका है सारा का सारा। लेकिन एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ पहले बताता हूँ, क्योंकि गुड को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, बैड को नीचे। तो गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले 2 तारीख को, आज कितना डेट है, आज डेट है 23 तारीख, ठीक है, 23/3। तो आने वाले 2 तारीख को कुछ दिनों बाद, ठीक है, सेल आ रही है मीशो पे, बहुत ही मस्त धमाकेदार, जो हर महीने 1 से 2 महीने बाद सेल आती है, वो वाली सेल आने वाली 2 तारीख को। तो मैंने तो पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बारे में आने वाले ब्लॉग में बताता रहूँगा, इसलिए मैंने 7-8 दिन पहले एडवांस में बता दिया है ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, 1-2 दिन बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो तब तक पता चल जाएगा सबको, सेल आ रही है 2 तारीख को मीशो पे, बहुत सस्ता, बहुत ही मस्त डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये था गुड न्यूज़। और बैड न्यूज़ ये है कि रिस्पॉन्स आजकल बहुत कम हो चुका है मीशो का, क्योंकि सेल ख़त्म होता है फिर सेल आता है, तो रिस्पॉन्स एकदम से ऑर्डर कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर सब जितने भी कस्टमर होते हैं सब वेट करते हैं सेल का, सेल के चक्कर में आने वाले टाइम में, मतलब उससे पीछे बिफोर सेल कम हो जाती है, फिर सब सोचते हैं सेल के दिन ही परचेस करेंगे। तो उस चक्कर में मेरे ऑर्डर्स भी थोड़े कम हो गए, रिस्पॉन्स ये फ्लिपकार्ट का है, मीशो का, ई कॉम का पैकेट जा चुका है, शैडो का भी जा चुका है। तो ये आज का ऑर्डर है, ठीक है। लोड सीयर एक नया पैकेट आया, 2 अपडेट है, एक तो लोड सीयर आया है और एक है फ्लिपकार्ट का लेवल जो है बिल्कुल फुल चेंज हो चुका है, ठीक है। और वही हमेशा की तरह मैं जुगाड़ करके कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट का टेप लगा के कर रहा हूँ अभी तक फिलहाल, ठीक है। और थोड़ी साफ़ सफाई हुई थी आज, मैंने टेबल को थोड़ा साफ़ सफाई करा था, ये सारा सेट हो चुका है, बाकी बुक्स सारा सेट हो चुका है, नीचे जितने रिटर्न थे ना वो क्लेम कर दिया है मैंने, उसके बाद जाके मैंने वीडियो अपना स्टार्ट करा है। तो आज से मैं कह सकता हूँ कि आज से डेली ब्लॉग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही वाली कंटिन्यू रखेंगे। और अब तो मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूँ आराम से, मतलब थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, जो मेरा मेन मोटिव है। मैं बस यहाँ पे सिस्टम के चक्कर में ट्रैवलिंग नहीं कर पाता, ठीक है। अभी 2 प्रोजेक्ट मैं भी और लेके आ रहा हूँ, उसके बारे में नहीं बता सकता फिलहाल। अभी बिग अनाउंसमेंट यही है कि 2 तारीख को सेल आ रहा है मीशो में, जिसको भी शॉपिंग करनी है भाई, मैं बहुत मस्त ऑफर आ रहा है 2 तारीख को। अब मैं दिखाता हूँ लाइव किस तरीके से सेल आ रहा है और कन्फर्म डेट क्या है, ठीक है। मैं अपना सेलर का पैनल ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं दिखा नहीं सकता इसको जो भी है, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट सेल वाला डेट, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 2 अप्रैल सेल, ठीक है, बिग सेविंग सेल, ठीक है, महा इंडियन सेविंग सेल आ रहा है मीशो पे सिर्फ और सिर्फ, ये आ रहा है मीशो का प्लेटफॉर्म, ठीक है। मीशो पे 2 तारीख को सेल आ रहा है अप्रैल के, और चेक करो 3.2 कस्टमर एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है। और मैंने भी पार्टिसिपेट करके कन्फर्म कर लिया, 20% का ऑफ दिया मैंने, 20% का ऑफ दिया और ऑलमोस्ट सारे ही 20% का ऑफ देंगे, तो बहुत ही रेट एकदम से कम होने वाले और परचेजिंग सेल बिल्कुल इंक्रीज होने वाली। तो आप सब भी पार्टिसिपेट करो, कस्टमर हो या सेलर हो, दोनों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेलर पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसकी ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और कस्टमर पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसको रेट कम मिलेंगे, तो दोनों का ही फायदा है। फिलहाल अभी थोड़ा सिस्टम में काम है, मैं वो काम ख़त्म कर लेता हूँ, और नवरात्रि का दिन भी चल रहा है, बहुत ही मस्त चल रहा है, ठीक है, सीज़न भी अच्छा चल रहा है। फिलहाल अभी थोड़ा सा काम है, वो काम ख़त्म करता हूँ। तो ऑलमोस्ट सारा पिकअप हो चुका है मेरा, सिर्फ फ्लिपकार्ट बचा हुआ है, और लाइट भी नहीं आ रही है यार, ठीक है। अभी 3:30 बज रहा है और फ्लिपकार्ट का बचा हुआ सिर्फ, मीशो सब जा चुका है। फिलहाल अभी मैं पढ़ रहा था ये रिच डैड और पुअर डैड बुक, काफ़ी दिन पहले मैंने स्टार्ट करा था, आज 2nd डे है, इतना मैंने पढ़ चुका हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। आज से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वही वाला रूल है, मुझे फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, फालतू की वीडियोस देखने में टाइम स्पेंड नहीं करना है। फिलहाल लाइट भी नहीं आ रही है, खाना पीना खा के घर से आ चुका हूँ, ये रह चुका है ये 4 बजे का पिकअप, इसलिए इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, और लाइट भी नहीं आ रही है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म करते हैं। यही 2 ही ऑप्शन है, या तो बुक रीड करना या तो फ़ोन चलाना, फ़ोन में कुछ फ़ायदा नहीं है यूज़ करके, कॉल कर दे रहा हूँ फालतू में, इससे बढ़िया कुछ नॉलेज ले लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसके बारे में कि मैंने अभी क्या पढ़ा। अभी फिलहाल मैं ये पढ़ रहा हूँ, द रिच डजंट वर्क फॉर मनी, ठीक है, हाउ द रिच डजंट वर्क फॉर मनी, इसके बारे में अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि ऐसा क्या बता रखा है इसमें। ये पूरा पैरा ख़त्म कर दूंगा मैं, ये वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल,
और लाइट को देखता हूँ, तब तक लाइट आती है नहीं आती। तो ऑलमोस्ट तो मैंने इस बुक को पढ़ लिया है, मतलब थोड़ा सा पढ़ा है अभी, तो ज़्यादा नहीं मैं इस चैप्टर में था। तो एक आध दो तीन पेजेस पढ़े बस मैंने, और थोड़ा सा पता चल गया, लेकिन अभी घर जाकर दोबारा इसको पढ़ने वाला हूँ। तो इस बारे में तो मैं शाम को रात को ही बताऊँ घर पहुँच के। फिलहाल अभी मैं जो सिस्टम में लाइट आ गई थी और सिस्टम में जो काम कर रहा था, ये पार्टिसिपेट एक और कन्फर्म हो चुका है मेरा, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है पार्टिसिपेट कन्फर्म, कैसे होता है, मैंने 20% का सेल देखा है। इसमें तीन टाइप के होते हैं, 5 से 10%, 10 से 15, 15 से 20 और 20%, ठीक है, 20% का सेल दिया है, ठीक है। अब सेल में क्या होता है, पहले पूरी फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर इसको फाइल को अपलोड करना पड़ता है, ये रही जो फाइल, ठीक है, जो सेल की है। अभी 2 अप्रैल को सेल है, ठीक है, और लास्ट बिफोर 28 तो हमारे लिए है, 2 अप्रैल को सेल है, आज तारीख है 23 तारीख, ये वीडियो आ जाएगी 24 तारीख को। तो 2 तारीख को बहुत अच्छा टाइम है फिलहाल, और सारे जाके चेकआउट करें ना, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने वाला, बहुत कस्टमर और सेलर दोनों के लिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कस्टमर और सेलर के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ये सेल, ठीक है। फिलहाल अभी चलते हैं घर, थक गया बहुत ज़्यादा, ये बुक कंप्लीट करनी है। कंप्लीट क्या, जो मैंने टास्क ले रखा आज का वो कंप्लीट करूँगा। तो मैंने यहाँ तक कर लिया है, ये मैंने पेज भी फोल्ड कर रखा है, यहाँ से कंसेप्ट पढ़ना है थोड़ा बहुत। बहुत वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी किताब है ये, नॉलेज बहुत अच्छा दे रही है। इन रेफर टू मनी, मनी कैसे काम करती है, क्या उसका फ्लो है, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, क्या क्या माइंडसेट होते हैं मनी से रिलेटेड, उस बारे में बता रही है, और अच्छा लग रहा है वैसे पढ़ने में। और क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स हैं, इनको पढ़ के ख़त्म मुझे करना है, इन सबको पढ़ना है, तो और कोई तो काम नहीं है, क्योंकि मैंने इनका सेल का बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि मुझे इस पर काम नहीं करना, अब बिल्कुल काम करना है ऑटोमोबाइल्स पर। तो अभी इनको बस रह गया है 100 पीस के लिए, तो रख नहीं सकता, तो इनको पढ़ पढ़ के ख़त्म करते हैं, थोड़ी नॉलेज गेन करते हैं। फिलहाल अभी चलता हूँ मैं घर पे, घर जाकर मुझे 3-4 वीडियो एडिटिंग करनी है, और उसके बाद खाली टाइम मिलेगा, उसके बाद ये बुक रीड करेंगे, और लास्ट में बताने वाला हूँ कि क्या मैंने पढ़ा इसमें और क्या क्या है। बाकी चलते हैं घर अभी। तो भाई मैं हूँ फिलहाल अभी अपने घर पे, और घर पे भी मैं फिलहाल अभी ये बुक ही पढ़ रहा था, थोड़ा एडिटिंग वाला काम था, 3 घंटे से तो एडिटिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, महाभारत की जो सीरीज़ लेके आया हूँ ना उसकी एडिटिंग कर रहा था। अभी फ़िलहाल मैं कौन सा स्टोरी पे हूँ, मैं एकलव्य वाला स्टोरी मैंने ख़त्म कर दिया। आप सभी को पता होगा बचपन में जरूर आपने अपने बुक्स में ये स्टोरी ज़रूर पढ़ी होगी एकलव्य की, एकलव्य के ने कैसे विदाउट गुरु के, मतलब गुरु के होने के बावजूद और ना होना दोनों बराबर था, क्योंकि उन्होंने उनकी मूर्ति बना रखी थी। तो बिल्कुल शॉर्ट में बता रखा है, जो मैंने वीडियो भी एडिट करा है एकलव्य के ऊपर, ठीक है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे महाभारत की सीरीज़ करने में। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। बस जस्ट अभी 3rd वीडियो मैंने एडिट करके ख़त्म ही करा है, एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा, एक्सपोर्ट हो रहा है आराम से, ठीक है। और फिलहाल अभी उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा था, जब तक ये एक्सपोर्ट होते हैं सारे, तो इसके बारे में बात कर लेता हूँ, जितना मैंने आज इस बुक्स को कंप्लीट करा है, ऑलमोस्ट तो नहीं कंप्लीट बोल सकता मैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो इसमें अभी ये जो चाइल्ड है, जो राइटर है, वो एक चाइल्ड है, ठीक है, वो अपने पुअर डैड से, इसमें 2 डैड है, रिच डैड और पुअर डैड, तो जो चाइल्ड है वो अपने पुअर डैड से क्वेश्चन करता है हाउ टू बिकम रिच, ठीक है। कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट्स या फिर फादर से अगर ये क्वेश्चन करता है कि हाउ टू बिकम रिच, तो ऑब्वियसली उसका फादर सोचेगा कि आपको रिच बनना क्यों है, ठीक है, क्यों उसको अमीर बनना है, क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गई जो उसको अमीर बनना है। तो इसमें यही क्वेश्चन है, राइटर अपने फादर से क्वेश्चन पूछता है कि फादर हाउ आई बिकम रिच पर्सन, ठीक है। और फिर फादर ऑब्वियसली क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपको रिच क्यों बनना है, क्यों आपको ये क्या कैसे ये ख्याल आया कि रिच बनना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन देता है कि सारे स्कूल्स में ऐसे सीन होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास वाले होते हैं, तो ये मिडिल क्लास से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो रिच जो इसके स्कूल में स्कूल फ्रेंड्स है, उसमें 2-3 बच्चे जो रिच है वो हवाई घूमने जगह जाते हैं और बहुत ही रिच लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सेप्ट दीज 2 पीपल्स। अब 2 पीपल्स कौन है इसमें वो भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जो राइटर क्वेश्चन कर रहा है और उसी का एक फ्रेंड है। तो ये 2 दोस्त है जो मिडिल क्लास से हैं, और जो 3-4 दोस्त है वो रिच पीपल है, ठीक है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो सब घूमने जाते हैं वीकेंड्स में, और रेदर देन दीज 2 पीपल्स, ठीक है। तो इसलिए वो अपने फादर से क्वेश्चन करता है कि मैं कैसे रिच बन सकता हूँ, जिससे कि मैं भी ऐसे वीकेंड्स में कहीं
हवाई जाओ या फिर कहीं अच्छी अच्छी वीकेंड पे समर अपना मतलब हॉलीडेज स्पेंड कर सको, तो उस लिए इसको रिच बनना है, तो ये क्वेश्चन करा था उसने। ठीक है, फिलहाल जहाँ जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, खुद ही अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खुद पढ़ पढ़ के। सेकंड में ये बोलता है फादर, कुछ अपना बिजनेस सेट करो, कुछ अपना माइंड सेट सेट करो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, पैसे के मत भागो, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। ठीक है, तो बस इतना बताता है। फिर दोनों दोस्त अपना बिजनेस मतलब अपना माइंड जितना भी जो भी एक बच्चे का माइंड चल सकता है वो चलाते हैं, टूथपेस्ट का कुछ काम स्टार्ट करते हैं, वो टूथपेस्ट को मतलब कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही मैंने अभी तक पढ़ा था, बाकी आगे स्टोरी बाद में कल ही पता चलेगी फिलहाल तो। लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, ठीक है, दोनों जो पुअर चाइल्ड है ना, मिडिल क्लास रिलेटेड, दोनों ने फर्स्ट बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है, दोनों बोलते हैं वी आर पार्टनर्स नाउ। ठीक है, क्योंकि दोनों का माइंड सेट एक ही है और गोल भी एक ही है कि उनको रिच बनना है, बस तरीका भी उनको सेम ही है, बस वो करने जो है उनको पार्टनरशिप में करना है, तो बिल्कुल सेम है, बस इतना ही है। कि ये बुक अभी तक ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि इसमें हाँ, तो इस बुक में ओवरऑल माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए बारे में बताया गया। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल मैंने इतना ही पढ़ा था, जितना पढ़ा था मैंने डिटेल में बता दिया। डेली में रीड करने की सोच रहा हूँ फिलहाल, जितना जितना कंप्लीट होगा मैं रिव्यू तुरंत का तुरंत देता रहूँगा, वरना मेरे भी दिमाग से थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मुझे याद है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें शॉर्ट में कंक्लूजन इतना ही था अभी फिलहाल तो। रिच डैड और पुअर डैड की बुक है, बहुत ही मस्त बुक है। ठीक है, फिलहाल अभी एडिटिंग भी मेरा कम्प्लीट हो चुका है, एडिटिंग वाला भी काम ख़त्म हो गया है और बाकी तो सारा काम ख़त्म ही हो गया। 10 बज गए हैं फिलहाल अभी, और अब जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।